हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ब्याज कैसे निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार आपको बुक में सवाल मिलता है ना, उस कैटेगरी से मैं आप लोगों को ब्याज निकालना नहीं सिखाऊंगा। देखिए, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं या आप कहीं से अगर बिलोंग करते हैं ना, तो आप कभी ना कभी ऋण अवश्य लेने के लिए जाते होंगे, या आप किसी से लोन पे पैसा लो, या आप बैंक से लो, या किसी से आप उधार लो, तो आप अवश्य ऋण जो है सो लिए होंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप किसी से ऋण लिए है ना, अगर आप किसी से कर्ज लोगे, तो अगर आपको किसी सैकड़े की दर से आपको पैसा दिया जाता है, आपको कोई ना कोई सैकड़ा की दर से क्या दिया जाता है, तो पैसा दिया जाता है। अगर मान के चलिए, अगर आप बैंक से जाओगे पैसा लेने के लिए, तो हो सकता है आपको 2 रुपये सैकड़ा दे, या 3 रुपये सैकड़ा दे, या 1 रुपये सैकड़ा दे, या 5 रुपये सैकड़ा दे दोस्तों, है ना इस प्रकार। या आप किसी बैंक से लो, या आप किसी इंसान से लो, या आप लोन पे लो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीका से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप ब्याज का पैसा कैसे हिसाब करोगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको फुल जानकारी अगर चाहिए ना कि आप ब्याज का पैसा कैसे आप क्या करोगे, मतलब पता करोगे, तो मैं एक और वीडियो लेक्चर में बनाया हूं। इस वीडियो को आप अवश्य जाके देखिएगा दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है सो दिया होगा। इस वीडियो को अगर आप पूरे फुल वॉच कीजिएगा ना, तो आप डेट ऑफ बर्थ भी किसी का निकाल लोगे, मतलब बहुत सारा नॉलेज इसमें मैं दिया हूं। आप इस वीडियो को दोस्तों अवश्य देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए दोस्तों, मान के चलिए अगर आप किसी से पैसा लिए है ना, मान के चलिए आप किसी से 5,000 रुपया लिए है, या 10,000 रुपया लिए है, या 20,000, या 50,000, या 1,00,000, कुछ ना कुछ तो रुपया लीजिएगा आप। तो मान के चलिए मैं या कोई व्यक्ति 5,000 रुपया लिया। कितना लिया दोस्तों? 5,000 रुपया। तो याद रखिए, देखिए, आप किसी से पैसा लोगे ना, तो वो हमेशा मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? किताब में मूलधन है, जिसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहा जाता है। देखिए, तो हम 5,000 रुपये लिए, तो ये मूलधन हो गया। और जिस दर से अगर आपको दिया, मतलब किस दर से आपको दिया है, 2 रुपये दर से दिया है, या 3 रुपये सैकड़ा की दर से दिया है, या 4 रुपये, या 5 रुपये, किस सैकड़ा की दर से आपको दिया है, तो आपको मान के चलिए 5,000 रुपया जो हम लिए ना, 5,000 रुपया सैकड़ा जो हम लिए ना दोस्तों, तो मान के चलिए कि 2 रुपये सैकड़ा की दर से दिया है। कितने रुपये सैकड़ा की दर से? 2 रुपये सैकड़ा की दर से। हो सकता है 3, 4, 5, कितना रुपया भी सैकड़ा की दर से क्यों नहीं दिया हो, है ना। तो मान के चलिए ये 5,000 रुपया, मान के चलिए दोस्तों कि मैं 5,000 रुपया जो है ना, सो मैं लिया था। और किस डेट का लिया था, मैं आप लोगों में बता देता हूँ। जैसे देखिए, डेट मैं लिया था आपको क्या, तो देखिए, लिया था मैं 12/5/2020 को मैं लिया था, मतलब 12/5/2020 को लिया था मैं। कितना? 5,000 रुपया लिया था, है ना। और 2 रुपये सैकड़ा की दर से लिया था। तो बताइए कि आप इसका ब्याज अगर आप जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? बहुत ईजी है दोस्तों। मैं आप लोगों को मैं बताया कि एक बार आपको समझना है। अगर एक बार आप समझ जाओगे ना, तो एक एक दिन, एक एक महीना का पैसा आप क्या कर लोगे, हिसाब कर लोगे। और ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी ना किसी से अवश्य जो है सो पैसा लीजिएगा, चाहे बैंक से लीजिए या किसी से लोन लीजिए, बहुत जरूरी है दोस्तों। तो जैसे देखिए, इस डेट को जो है सो मैं पैसा लिया था, और 2 रुपये सैकड़ा की दर से मैं लिया था। कितना रुपया लिया था मैं? 5,000 रुपया लिया था। तो सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि इसके बारे में आप समझ लीजिए कि 2 रुपये सैकड़ा होता क्या है। डेट तो आपको मैं लिख दिया, इसके बारे में आप समझ लीजिए। देखिए, 2 रुपये सैकड़ा, या 3 रुपये सैकड़ा, या 4 रुपये सैकड़ा, या 5 रुपये सैकड़ा अगर बोलता है ना, तो सैकड़ा का मतलब होता है दोस्तों 100, मतलब 100 रुपया में जो है ना, सो महीना में 2 रुपया बनता है। मतलब अगर आप, मतलब सैकड़ा मतलब 100 होता है, 100 पर अगर महीना में कितना रुपया इसका बनेगा? 2 रुपया बनेगा, क्योंकि 2 रुपये सैकड़ा से आप लिए है ना। अगर 5 रुपये सैकड़ा से अगर लेते, तो 100 पे 5 रुपया बनता। अगर 3 रुपये सैकड़ा से अगर आप लेते, तो 100 पे 3 रुपया बनता। आप याद रखिए, मतलब महीना में 100 रुपया का उसका कितना बना? 2 रुपया बना। इस बात को जो है सो आप याद रखिएगा। तो आप सोच सकते हो, आप तो ये समझ गए कि 100 रुपया में, 100 रुपया पर 2 रुपया बनता है, क्योंकि 2 रुपये सैकड़ा से हम लिए ना। तो टोटल हम कितना लिए हैं? 5,000 रुपया लिए हैं। तो 5,000 मतलब कितने 100 का नोट 5,000 होता है, तो 50 100 का नोट कितना होता है? 5,000 होता है। इसी प्रकार आपको हिसाब कर लेना है। तो 50 और 2 रुपये सैकड़ा से लिया है, तो 100 पे 2 रुपया, तो 50 को नोट पे कितना हो जाएगा आपको? 100 रुपया। मतलब कितना? 100 रुपये। तो मतलब महीना कितना रुपया चला? मतलब 5,000 का कितने रुपये महीना चला आपको? 100 रुपये महीना चला। आप आराम से ये पहले कर लोगे कि नहीं, ये आपको समझ लेना है, है ना। मतलब 5,000 का कितने रुपये महीना चला दोस्तों? तो 100 रुपये महीना चला। अगर वही, अगर हम 5 रुपये सैकड़ा से लेते, तो 50 × 5 = 250 रुपये महीना चलता। अगर मैं 3 रुपये की दर से अगर मैं लेता, तो मतलब वही 50 या 150, मतलब 150 रुपये महीना चलता।
हाय ना दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या। मतलब 100 रुपया में अगर 2 रुपये सैकड़ा हम लिया है ना, तो 2 रुपया बनता है महीना में कितना, 100 रुपया, 100 रुपया महीना में कितना, 2 रुपया बनता है। तो मतलब 5,000 लिया है तो 50 × 100, तो एक महीना में कितना रुपया बनता है, 5,000 रुपया लिया है तो 100 रुपया बनता है। आप याद रखिए, आप तो भली भांति समझ गए होंगे। आपको इसी प्रकार हिसाब कर लेना है, चाहे आप 5,000 लो या 10,000 लो या 20,000 लो, इसी प्रकार आपको हिसाब कर लेना है और सैकड़ा हिसाब से आपको ध्यान देना है। अब तो हमको पता चल गया कि मैं जो 5,000 जो लिया ना, तो मतलब एक महीना में कितना रुपया बनता है, 100 रुपया बनता है। तो अब जो मैं इस डेट को लिया था ना, तो आज का डेट में मुझे वापस करने के लिए आया या मैं ही किसी को वापस करने के लिए मैं गया, तो अभी पूरे महीना आप निकालोगे, इसके बाद है ना मतलब 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक महीना में कितना बनता है आपका, 100 रुपया ब्याज जो है सो बनता है। तो निकाल लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये डेट को जो है सो मैं पैसा लिया था, तो आज का डेट कितना है, तो मान के चलिए आज का डेट है 24/3/2022 है। देखिए आज का डेट है, इसके बाद इस डेट को लिए थे, तो इस डेट को आप क्या कर दीजिए, तो घटा दीजिए, तो 05/2020 इस डेट को मैं लिया था, आप सीधा घटा दीजिए। देखिए याद रखिए दोस्तों, ये वर्ष है, ये महीना है और ये दिन है, आपको याद रखना पड़ेगा ये। तो 2022 में से अगर देखिए, 22 में से अगर 20 घटाओगे तो ये 2 वर्ष हो गया। अब देखिए इधर आप देखिए, तो ये देखिए महीना में 3 में से 5 तो नहीं घटेगा, तो 5 में से 3 आपको घटाना घटाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा। मतलब 5 में से 3 जो घटाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा दोस्तों। जैसे मैं 3 - 5 रहेगा, तो 5 में से 3 घटाओगे तो 2 होगा, लेकिन ये चीज किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये माइनस में महीना आ जाएगा। और दिन घटाइए तो 24 में से 12 गया, तो आपको कितना हो जाएगा, 12। अब 12 प्लस में होगा क्योंकि 24 में से 12 घट गया। तो अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ष, तो 2 वर्ष मतलब कितना महीना दोस्तों, 24 महीना। कितना महीना आपको, 24 महीना। 24 महीना ये हो गया, और यहाँ पे -2 महीना, ये माइनस में है, तो माइनस में, क्योंकि ये 5 में से 3 घटा है, तो माइनस में जो रहेगा उसको महीना में से आपको कम कर देना है। तो 2 वर्ष बराबर 24 महीना हो गया, तो 24 में से 2 महीना आप घटा दीजिए, तो कितना हो गया आपको, 22 महीना। 22 महीना और कितना दिन, तो 12 दिन। तो देखिए 12 दिन, 22 महीना 12 दिन हो गया आपको। तो देखिए दोस्तों आपको निकल गया ना, इसी प्रकार आपको निकाल लेना है पहले। देखिए कितना इजी है दोस्तों, इस वीडियो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। उस वीडियो में पूरे डिटेल्स में मैं बताया हूँ, और उसमें मैं तरह तरह का क्वेश्चन लेके मैं बताया हूँ। अगर उस वीडियो को अगर आप देखिएगा ना, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाने में कभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको जो है सो आराम से आप क्या कर सकते हो, तो हिसाब कर सकते हो। तो कितना हो गया, महीना तो माइनस में था, तो इसीलिए 22 महीना 12 दिन हो गया। आप देखिए कितने रुपये महीना चला था, 100 रुपये महीना चला था ना। तो आराम से आप 22 को और 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आराम से उतना रुपया क्या हो जाएगा आपका, ब्याज हो जाएगा। आप जाके रिटर्न कर दीजिए किसी को, या अगर आपको कोई आएगा तो आपको उतना रुपया दे देगा, आप उसको जोड़ के बता दोगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए दोस्तों, मैं किताब भाषा से मैं आप लोगों को नहीं बताया जो किताब में था। देखिए किताब में तो बहुत सारा दिया रहता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। मैं आप लोगों को सिंपल तरीका से बताया जो आपको हमेशा काम आएगा। देखिए दोस्तों, ये हमेशा काम आएगा, क्योंकि आप किसी न किसी से कर्ज अवश्य लोगे। आजकल वैसे लोन पे बहुत ज्यादा आदमी पैसा लेने लगा है, 1 रुपया सैकड़ा की दर से, 2 रुपया सैकड़ा की दर से, 3 रुपया सैकड़ा की दर से। तो बहुत सारे आदमी को हिसाब नहीं होता रहता है किया हुआ। तो आज आप सही से देख लीजिए, आप पैसा लेने से पहले आप हिसाब कर सकते हो, सही से खुद ऐसे हिसाब कर लीजिएगा, इसके बाद उसी प्रकार आप उसको क्या दीजिएगा, पैसा दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, उसमें मैं तरह तरह के क्वेश्चन मैं लेके बताया हूं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।